ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं भगवान ने इंसान को सबसे समझदार बनाकर पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन वही इंसान अब हैवान बन गए। नकाब के अंदर जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनकी करतूतें इतनी काली है कि इनके बारे में जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इनके करतूतों की कहानी ऐसी है कि इन्हें जितनी सजा मिले वो कम है। बात बीते 21 अप्रैल 2021 की है, जब फाफामाऊ थाने के गोहरी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। घर में पति पत्नी, एक 25 साल की लड़की और 10 साल के दिव्यांग लड़के की लाश मिलती है। पुलिस ने जब मामले में तफ्तीश शुरू की तो वो चौंक गए। क्राइम सीन पर 25 साल की लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक लड़की के साथ रेप किया गया। पुलिस के मुताबिक इस अपराध में मोनू, रोहित, पीपी कुमार, नवल, मुर्गी बुंदेला, आकाश ने अंजाम दिया था और इसकी साजिश रचने में संगीता और नेहा नाम की 2 महिलाएं भी शामिल थी। वहीं 16 अप्रैल को थरवई थाना के खेवराजपुर में भी एक परिवार के 5 लोगों की निशंस हत्या कर दी जाती है और महिलाओं के साथ रेप की भी बात सामने आई थी। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना को अंजाम देने में मोनू, रोहित, नवला, पीपी, मुर्गी, पाक, बुंदेला, देवी, आकाश, चिंटू शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी रेप की घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो नरपिशाच कौन है जो लाशों के साथ रेप करता था। मामला उलझते देख पुलिस ने इन सभी आरोपियों का डीएनए टेस्ट 9 मई को कराने का प्लान तैयार किया। तब जाकर ये क्लियर हो जाएगा कि वो पिशाच आखिर था कौन जो महिलाओं की जान लेने के बाद उनके साथ अपनी हवस को मिटाता था। फिलहाल इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल 3 आरोपियों का इलाज शहर के SRN अस्पताल में चल रहा। ये विगत दिनों में थाना थरवई क्षेत्र के खेवराजपुर गाँव में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की मृत्यु कारित की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके 7 टीमें लगाई गई थी। इन 7 टीमों ने दिन रात अथक परिश्रम करके एक इंटर स्टेट हत्यारे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके कुल 7 डकैत गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 3 डकैतों के से पुलिस मुठभेड़ हुई थी और उनके पैर में गोलियाँ भी लगी थी। वो सभी को जेल भेजा गया था। इसी अनुक्रम में जो वैजाइनल स्लाइड और स्वाब FSL फाफामाऊ भेजे गए थे उसकी जांच रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि हुई है। आपको अवगत कराना है कि पकड़े गए बदमाशों ने ये बात कबूली थी कि उनके द्वारा दुराचार भी किया जाता रहा है, दुराचार किया भी गया था थरवई वाले केस में, और उसी के तारतम्य में जो FSL फाफामाऊ की रिपोर्ट आई है उसमें मानव वीर पाया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है दुराचार की, और उसी रिपोर्ट के आधार पे सुसंगत धारा जो 376 की धाराएं हैं, 376D की बढ़ोतरी की गई है। मामले में 396 की धारा लगाई गई है, 120B 201 की धारा भी लगाई गई है, आगजनी से संबंधित 436 IPC की भी धारा बढ़ाई गई है। तो जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं सभी की बढ़ोतरी करते हुए सभी अपराधियों को इसमें जेल भेजने की कार्रवाई करने के उपरांत अब जेल में बंद जो अभियुक्त हैं माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उन ब्लड सैंपल के DNA को निकालते हुए जो वैजाइनल स्लाइड से DNA डेवलप हो रहे हैं उनसे मिलान करवा करके अकाट्य सबूत हासिल किया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय के द्वारा इनको कठोर से कठोर सजा पुलिस के द्वारा दिलाई जाए और लोगों को न्याय मिल सके। माननीय न्यायालय में अर्जी डाली गई है, उनकी अनुमति के उपरांत 9 मई का दिन मुकर्रर हुआ है जब इन अभियुक्तों के ब्लड सैंपल लेकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, ताकि DNA मिलान की कार्रवाई करके अकाट सबूत हासिल किया जा सके। ये आरोपी का मृतक महिला मारने के बाद रेप करते हैं। उनके बयान के अनुसार वो जब मरणासन्न हालत में पहुंचा देते हैं उसके दौरान ये दुराचार करते हैं, ताकि इनको कोई बाधा ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये पूरी संभावना है कि मरणासन्न या मृत अवस्था में ही इनके द्वारा दुराचार किया गया हो।
प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।